रेडी। हाय दोस्तों, फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद अब फाइनली मेरे पास रेडमी 4 Xiaomi का पहुंच ही गया है। यहाँ देख सकते हैं कि Xiaomi का जो बॉक्स है यहाँ पर MI ब्रांडिंग किया हुआ है, और देखते हैं बॉक्स के अंदर ये फ़ोन है और ये बिल वगैरह कुछ दिया हुआ है। तो इसको साइड में रखते हैं, और फ़ोन मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो आपके लिए अनबॉक्सिंग के लिए मैं फिर से इसको ओपन कर रहा हूँ। और फाइनली ये फ़ोन है, और फ़ोन को साइड में रखते हैं पहले, क्या क्या इसको दिया है। इसमें कुछ कार्ड्स है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुए हैं, और ये भी कुछ है, और साथ में ये चार्जर दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, और सबसे पहले फ़ोन को मैं ओपन कर चुका हूँ। और फ़ोन को अगर देखा जाए तो जो MI का जो यहाँ पर लुक दिया हुआ, जो स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन है वो बहुत ही क्लासिक बनाया गया है। और कंपेयर टू नोट 3 इसकी जो लुक है आप देख सकते हैं हर एंगल से, बहुत ही यूनिक बॉडी है इसकी, कंप्लीट मेटल बॉडी है, और काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक चेंज बोल सकते हैं नोट 3 से। और मुझे पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत ही मस्त लगा है। मतलब नोट 3 में कुछ चीज़ें थी जो मुझे इसका लुक पसंद नहीं आता था थोड़ा सा, लेकिन इसका जो लुक है बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, और पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका लुक। तो ये फ़ोन में ऑलरेडी मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ है, ये सबसे जो महंगा वर्जन है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन बटन दिया हुआ है, यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर हेडफोन का जैक, और यहाँ पर जो आयर ब्लास्टर, जो सबसे मुझे बेस्ट फीचर लगता है MI का वो है आयर ब्लास्टर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सिम इजेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, सिम यहाँ पर ड्यूल सिम है, यहाँ पर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ है। यहाँ पर या तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या दो सिम लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पीकर ग्रिल है वो नोट 3 में पहले यहाँ दिया गया था, लेकिन उसको चेंज करके उसने काफ़ी नीचे दिया गया। यहाँ पर एक स्पीकर है और दूसरा स्पीकर नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है, और यहाँ पर चार्जर दिया हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो मोबाइल है, मैं पर्सनली मतलब ऑल ओवर जो लुक है ये मोबाइल का बहुत ही बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू नोट 3, और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है आईफोन से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो MIUI का जो यहाँ पर इंटरफेस है काफ़ी स्लीक और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मेन्यू है, यहाँ पर शॉर्टकट, आप सारे चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो वर्जन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रैम यहाँ पर 4GB है, और इंटरनल 64GB का टोटल ये सेट है ये। और फिलहाल जो इसमें है यहाँ पर जो अपडेट है वो अभी आप देख सकते हैं, इसमें जो अभी ये है MIUI 8 है, मार्शमेलो के साथ है, और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इसको जो नया अपडेट आएगा नोगा वो जल्दी हमें मिलेगा यहाँ पर देखने को। तो ऑल ओवर जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है MI का, और मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा मैंने MI काफ़ी समय से यूज़ किया है, और इस फ़ोन का यूज़ करने के बाद मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग दोस्तों ज़्यादा सोचो मत, अगर आपका लेने का मन है इस फ़ोन को तो आप ले लीजिए, ज़्यादा कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी में ये जो फ़ोन है वर्थ है 13,000 में, बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है, आप ले सकते हैं, मेरा ही पर्सनल सजेशन है आप लोगों को।